धोनी की सीएसके के होंगे ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2025 को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। अगले सीजन में मेगा ऑक्शन होने वाला है। ऐसे में कई टीमें खिलाड़ियों को रिलीज़ करेंगी, कई बड़े प्लेयर्स की टीमें बदलने वाली है। इस लिस्ट में ऋषभ पंत का नाम भी जुड़ सकता है। अगर दिल्ली कैपिटल्स ने पंत को रिलीज़ किया तो वह चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंत सीएसके के फ्यूचर बन सकते हैं, हालांकि इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत के साथ खुश नहीं है, लिहाजा वह अगले ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत को रिलीज कर सकती है। अगर पंत रिलीज किए गए तो वो महेंद्र सिंह की धोनी की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं। पंत अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज है, साथ में विकेट कीपर भी हैं। वे कई मौके पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली उनसे खुश नहीं है। ऋषभ पंत ने 2016 में डेब्यू किया था, वे तब से अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही। ऋषभ पंत ने दिल्ली को 2016 में 1,90,00,000 रुपए में खरीदा था। इसके साथ 2018 में 8 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया। पंत को 2022 में 16 करोड़ रुपए मिलने लगे। वे 2023 में भी इस प्राइस के साथ रहे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से 2024 में नहीं खेल पाए। अब वे टीम से बाहर हो सकते हैं। ऋषभ पंत में अभी तक 111 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 3,284 रन बनाए। पंत आईपीएल में 1 शतक और 18 अर्धशतक लगा चुके हैं। पंत के लिए 2018 का सीजन शानदार रहा था। उन्होंने 14 मैचों में 684 रन बनाए थे। इस दौरान 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 2019 में 488 रन बनाए थे। आखिर अगर पंत का चेन्नई सुपर किंग्स लेती है तो कप्तान बनने के बड़े दावेदार हो सकते हैं।